बच्चों, अभी हमने आपको ध्वनिया मिलाकर शब्द बनाना बताया था। क्या मिला के? साउंड्स को मिलाएंगे तो शब्द कैसे बनेंगे। अब हमने क्या करा, शब्द आपको दिए हैं। क्या दिए? शब्द दिए। जैसे ये लिखा है बिजली, ये लिखा है किसान, ये लिखा है कृपाण, तीन अक्षर लिए। अब इसमें ध्वनियों में कैसे तोड़ेंगे, बात यह है जब आप ध्वनि पहचान लेंगे तो शब्दों को आसानी से पढ़ लेंगे। तो देखो पहली ध्वनि क्या है इसमें, कौन बच्चा बताएगा? हाथ उठा के ये से क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे सर? खड़ो खड़ो, क्या पढ़ेंगे इसको? तुम बोलो। हाँ, क्या पढ़ेंगे इसे? क्या पढ़ेंगे? क्योंकि इस पे कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। और फिर आ रही दूसरी है हमारी साउंड जा। क्या है इसमें? हल्के से जा। फिर देखो तीसरी साउंड है हमारी, इसको पढ़ेंगे, इस पे लगी है हमारी बड़ी ई की मात्रा। कौन सी लगी है? हाँ, क्या पढ़ेंगे? पूजा खड़े होकर बोलो ली। ली, क्या पढ़ेंगे? ली। तो देखो हमारे पास तीन साउंड हो गई, ली, ली। जा, जा। ली, ली। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बिज ली। तो ऐसे साउंडों को तोड़ना सीखो और इससे आपको पता क्या चलेगा, मात्राएं कौन कौन सी लगी है हमारी। जैसे अब आया ये वाली शब्द दिया किसान, इसकी तोड़ेंगे देखो, इसमें लगी है छोटी की मात्रा, इसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? एक साउंड। दूसरी साउंड देखो इसकी भी होगी, इसमें आपकी मात्रा लगी है तो इसे पढ़ेंगे सा, इसे पढ़ेंगे कि, इस पे कोई मात्रा नहीं है। तीन साउंड है लेकिन मात्रा इस पे कोई नहीं है, तो इसे पढ़ेंगे कि, सान, या मिला के पढ़ो किसान, हल्के से बोलने किसान, किसान नहीं बोलने किसान। अगर बड़ी की मात्रा लगी होती यहाँ पर तो बोलते किसान, लेकिन शुद्ध क्या होता है? किसान, हल्के से मात्रा देखो इसमें ये, इसमें ये, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब तीसरा है देखो ये, इसकी साउंड अलग होगी, तोड़ो इसकी साउंड अलग होगी और इसकी साउंड अलग होगी। अब देखो इसकी साउंड होगी किर, क्या होगी? काय का है ये, किसकी मात्रा है इसकी? ऋण की मात्रा है इसमें, इसे इसकी साउंड क्या हो गई? किर। और ये हो गया ता, क्योंकि इस पे आ का डंडा लगा है और इस पे कुछ नहीं है ना पे, तो ये हो गया। तो दो साउंड को मिलाना है, तीसरी से खाली छोड़ना है, तो इसे पढ़ेंगे किर पार। क्या पढ़ेंगे? सबको समझ में आ गया साउंड का? साउंड को कैसे तोड़ेंगे, किसी शब्द में कौन कौन सी साउंड्स होती हैं, ध्वनियां होती हैं, तो इस तरीके से तोड़े आप, जिससे कि आपको मात्राओं का भी ज्ञान होता रहेगा। कोई और शब्द लीजिए, जैसे लिखा है चौकीदार, चौकी। अब इसमें देखो साउंड कौन कौन सी है, अलग अलग तोड़ेंगे हम, तो एक आ गई चौ, आ गई। अब इसमें मात्रा कौन सी लगी है? ओकी, ओकी। इसकी लगी है बड़े ओकी, बड़े ओकी। हाँ, फिर की। दूसरा की, इसमें लगी है बड़ी की मात्रा। फिर गा, इसमें लगा है आ का डंडा। फिर रा, हल्के से रा, कुछ नहीं मात्रा। मिलाया चौ, अलग साउंड। की में मिलाओ चौ, की, चौ।
दा दा सबके समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।